हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। प्यारे बच्चों, आज के ट्यूटोरियल पर बातचीत करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर सोर्स है सितंबर 28, 2020, आज की डेट। एडिटोरियल का नाम है बैटल फॉर बिहार। आपको पता है कि बिहार में अब इलेक्शन ड्यू हैं, और बिहार में जो इलेक्शन ड्यू हैं उसी के रिगार्डिंग बातचीत की गई है कि उसमें जो बैटल चल रही है कि किसकी सरकार बनेगी और कैसी सरकार बनेगी, उस पर बातचीत चलेगी। ठीक है। अच्छा, टोन जो है वो एम्बीवेलेंट है। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कि आप ये कह लो डायलेमा में टोन है, कुछ भी हो सकता है। इधर बीजेपी भी आ सकती है, आरजेडी का भी कुछ लग रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हो सकते हैं। इसलिए टोन आप कह सकते हो कि एम्बीवेलेंट तरीके से लिखा गया है, कि अस्पष्ट है अभी चीज़ें किस तरफ ऊंट करवट लेगा ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। डिफिकल्टी लेवल 8.6 out of 10 है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जिनको मैंने ब्लू से मार्क किया है वो सब सब्जेक्ट्स हैं, और जिनको मैंने रेड से मार्क किया है वो सब आपकी प्यारी वर्ब्स हैं। लास्ट तक बने रहें, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे आपके एग्जामिनेशन के बेस्ड। चलिए, बैटल फॉर बिहार। बिहार के लिए क्या है, एक बैटल चलेगी ऑन असेंबली पोल्स। असेंबली मतलब विधानसभा की जो वोटिंग होने वाली है, इसमें बिहार के अंदर एक बैटल छिड़ा हुआ है एक तरह का। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। नीतीश इज सीकिंग ए न्यू मैंडेट। मैंडेट क्या होता है? जन आदेश। सीकिंग मतलब चाहना, मांग करना, कि नीतीश कुमार जो है वो चाह रहे हैं कि एक नया जनादेश आए विद इमोटिव रिटोरिक डिफ्लेक्टिंग द डिबेट ऑन परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, इमोटिव क्या होता है? इमोटिव का मतलब होता है इसमें बहुत ज्यादा भावनाएं होती हैं, तो भावनात्मक आप कह सकते हो। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, रिटोरिक की। अगर मैं बात करूं रिटोरिक की, तो रिटोरिक का मतलब होता है कि जब कोई बढ़ चढ़कर भाषणबाजी करते हो ना, बढ़ चढ़कर भाषणबाजी करना। वो आपका रिटोरिक कहलाता है। ठीक है, तो क्या बात कहना चाहता है? और अगर मैं बात करूं डिफ्लेक्ट का, डिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है बदलना अपने आप को, दल बदलना कह लो एक तरह से। वैसे तो डिफ्लेक्शन दल बदलने के लिए इस्तेमाल होता है, पर यहां पर कुछ और बातचीत करी है। डिफ्लेक्टिंग द डिबेट ऑन परफॉर्मेंस, तो क्या कहता है कि नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि एक नया जनादेश आए विद इमोटिव रेटोरिक डिफ्लेक्टिंग द डिबेट ऑन परफॉर्मेंस, कि जो उनकी परफॉर्मेंस पे उन्होंने 5 साल जो काम किया है, उस परफॉर्मेंस के ऊपर जो विवाद छिड़ा हुआ है, जो वाद विवाद चल रहा है, उन परफॉर्मेंस के विवाद वाद विवाद से हटकर, डिफ्लेक्टिंग मतलब हटकर, सारी के सारे मैंडेट को कहां मोड़ना चाहते हैं? एक भावनात्मक भाषणबाजी के अंदर मोड़ना चाहते हैं। मतलब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस का जो वाद विवाद है उससे हटकर जनता को भावनात्मक भाषणबाजी में जोड़ा जाए। ठीक है, आगे क्या कहता है। द असेंबली इलेक्शन इन बिहार विल बी टेक प्लेस। टेकिंग प्लेस का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज टेक प्लेस करती है तो इसका मतलब आयोजित होना। टेक प्लेस इन अनप्रेसिडेंटेड, हजारों बार ये शब्द मैंने बता दिया, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां, ओवर 3 फेजेस इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। कहता है जो विधानसभा के इलेक्शन है बिहार में वो आयोजित किए जाएंगे, आज से पहले इस प्रकार की परिस्थितियां कभी भी नहीं देखी गई, और ऐसी परिस्थितियों में ये 3 फेजेस के अंदर आयोजित किए जाएंगे, और इनकी शुरुआत अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक तक रहेगी। अक्टूबर के लास्ट में स्टार्ट होंगे और नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये लगभग लगभग चलेंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन सिंस कोविड-19 डिसरप्टेड नॉर्मल लाइफ। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? एकदम से तबाह मचा देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। तो कहता है ये पहले ऐसे असेंबली इलेक्शन होंगे जो कोविड-19 ने पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ को बर्बाद कर दिया, उसके बाद से लेकर अब ये पहले इलेक्शन होंगे, मतलब जब से कोविड-19 हुआ है उसके बाद से पहले असेंबली इलेक्शन है ये। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑन द हेल्थ एंड इकोनॉमिक फ्रंट्स, फ्रंट्स का मतलब आगे आगे आना, विल बिकम एन इशू इन द इलेक्शन कैंपेन। और कहता है कि जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट्स की, किसको लेकर, हेल्थ और इकोनॉमिक दायरों को लेकर, विल बिकम एन इशू, वो एक मुद्दा बनेगा इलेक्शन कैंपेन के अंदर। भाई इस बार इलेक्शन कैंपेन का मेन
मेन जो मुद्दा होगा वो क्या होंगे, मेन मुद्दे ये होंगे कि एक आप हेल्थ में क्या काम कर रहे हो और इकोनॉमिक फ्रंट्स पर आप कैसे हो, कि इकोनॉमिक सुधार के लिए आप आगे आकर क्या कर रहे हो, तो इसी पर सारी बातचीत चलेगी। आगे कहता है चीफ मिस्टर नीतीश कुमार्स रिकॉर्ड फॉर 15 इयर्स इज मिक्स्ड, कि जो देखो चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार है, आपको मैं बता दूं 2005 में आए थे। चलो मैं पहले पूरा पढ़ देता हूं फिर समझ में आएगा। आफ्टर इनिशियल इंप्रूवमेंट्स इन गवर्नेंस आफ्टर ही टुक ओवर इन 2005 देर वॉज एन एविडेंट डाउन स्लाइड। एविडेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर। कल्मिनेटिंग, कल्मिनेटिंग का मतलब हो गया हाइएस्ट पॉइंट, एकदम हाइएस्ट पॉइंट इन द बंगल्ड हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक। अब अगर मैं बात करूं यहां पे बंगल की, तो बंगल का क्या मतलब होता है, जब आप किसी काम को करने में, जब आप किसी काम को करने में बहुत स्किल्ड नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, अकुशल तरीके से अनस्किलफुली आपने उस काम को किया है, उसे बंगल्ड बोलते हैं। तो कहता है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का जो पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड रहा है वो मिक्स सा रिकॉर्ड रहा है। After initial improvements in governance after he took over in 2005, कि 2005 में जब वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद शुरुआती स्तर पर गवर्नेंस के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दिए, देर वॉज एन इविडेंट डाउन स्लाइड, पर उसके बाद लगातार क्या हुआ, स्पष्ट तौर पर इनका एकदम क्या हो गया, डाउन स्लाइड हो गया, मतलब बहुत बहुत खत्म होने के लगे। कल्मिनेटिंग इन द बंगल्ड हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, और ये चीज और भी ज्यादा बढ़ गई, ये जो डाउन स्लाइड है ये और भी ज्यादा बढ़ गया, अपने चरम सीमा पर आ गया इन द बंगल्ड हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक, कि इस महामारी को जिस तरीके से इन्होंने अनस्किलफुली क्या किया है, एक तरह से आप कह लो हैंडल किया है, इस समय में इनका जो डाउन स्लाइड है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, मतलब अभी उनकी हालत बहुत ज्यादा क्या है, खराब है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है ही डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। ही डेजर्टेड द बीजेपी इन 2013 एंड वॉन द 2015 इन असेंबली इलेक्शन इन अलायंस विद द आरजेडी ओनली टू रिटर्न टू द बीजेपी एम्ब्रेस सून। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। अब देखो यहां पर है ना एक बहुत बढ़िया तरीके से एक बात को लिखा हुआ है, ओनली टू डू समथिंग, इसको आप ऐसे पढ़ो ओनली टू डू समथिंग, क्या मतलब होता है ओनली टू रिटर्न टू, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये सरप्राइजिंगली फैक्ट है जो सरप्राइज दिखता है। तो क्या कहता है कि 2013 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और 2015 का असेंबली इलेक्शन उन्होंने आरजेडी के साथ अलायंस मतलब मिलकर लड़ा, ठीक है, और ओनली टू रिटर्न टू द बीजेपी, और ये सरप्राइज करने वाली बात लगेगी आपको कि वापस से कहां आ गए, बीजेपी में आ गए। ध्यान सुनना कि 2013 में छोड़ी, 2015 में, 2015 में इलेक्शन लड़ा जीते, उसके बाद वापस से किसमें लौटे, सरप्राइजिंग तरीके से वापस बीजेपी में ही लौट गए, एम्ब्रेस सून, और बहुत जल्दी बीजेपी को गले लगा लिया। हिज पॉपुलरिटी इज वेनिंग, वेनिंग का क्या मतलब होता है, वेनिंग का मतलब धीरे धीरे कम होना, तो जो उनकी पॉपुलरिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, अब खत्म हो रही है। वाइल द बीजेपी इज ऑन द डिफेंसिव ऑन क्वेश्चंस ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है, जैसे देखो अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन का मतलब बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब कम होना, स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुक जाना, एक तरह से गड्ढे में जैसे पानी रुक गया, ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो वो स्टैग्नेशन होता है एकदम बीच में रुक जाना कोई चीज़ का। एंड फार्मर बैकलैश, और ये बैकलैश की अगर मैं बात करूं आपसे तो बैकलैश का एक तरह मतलब होता है कि कोई रिस्पॉन्स देना, कोई प्रतिक्रिया देना। तो कहता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो तो खत्म हो ही रही है, और दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो बहुत डिफेंसिव है कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की, इस तरफ इस वक्त इकोनॉमी एकदम पूरी तरह से रुक गई है उसके ऊपर। एंड फार्मर बैकलैश, और फार्मर्स के प्रति जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस सारे क्वेश्चंस के ऊपर बीजेपी बड़ी डिफेंसिव है। अब देखो आपको सारी कहानी समझ में आ रही है कि बीजेपी, और आपको पता है कि नीतीश कुमार जी का आपस में अलायंस है इनकी पार्टी का, तो अब बेसिकली है क्या कि जो नीतीश जी की छवि है वो धीरे धीरे अब खराब हो रही है, जब बिहार में इतनी अच्छी छवि इनकी है नहीं इस वक्त, क्योंकि बहुत सारा इन्होंने डाउनफॉल हुए हैं इनके इन दिनों, और दूसरी तरफ बीजेपी है वो भी कुछ सवालों के दायरे में, इस वक्त बीजेपी से भी बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जी आप बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और रिफॉर्म्स के लिए आप क्या कर रहे हो, और अभी हाल ही में कृषि वाला बिल आया है उसको लेकर भी आपने सुना ही होगा काफी बड़े लेवल पर बातचीत चल रही है, तो बीजेपी बड़ी डिफेंसिव है एक तरह से आप समझ लो। आगे क्या कहता है, द स्टेट एंड सेंटर jointly and separately mismanage the return of migrant workers from other state to Bihar
ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो कहता है स्टेट और केंद्र, राज्य और केंद्र, चाहे दोनों ने मिलकर चाहे दोनों ने अकेले अकेले मिसमैनेज द रिटर्न, ये बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाए माइग्रेंट वर्कर्स का वापस आने को। माइग्रेंट वर्कर मतलब प्रवासी जो काम करने वाले लोग थे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट टू बिहार ड्यूरिंग द लॉकडाउन। कि जब लॉकडाउन का ये प्रोसेस चला तो लॉकडाउन के प्रोसेस के अंदर जो बिहार के मजदूर थे वो माइग्रेंट होकर जो काम कर रहे थे, वापस जब वो बिहार आने लगे तो उसके अंदर, उस पूरे प्रोसेस के अंदर ना तो स्टेट ने, ना तो बिहार ने, ना ही आप कह लो केंद्र सरकार ने, और ना ही दोनों ने मिलकर कुछ भी ऐसा किया जिससे मतलब किसी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, है ना। तो आपने देखा होगा कि लोग सड़कों पर जा रहे थे, है ना, तो इस तरह की चीजें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहता है, दे हैव हेल्ड टुगेदर द टू डिस्ट्रैक्ट द डिबेट फ्रॉम सब्सटेंशिटिव इशू। देखो इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। सब्सटेंटिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इश्यूज टू इमोटिव रिटोरिक, वही मैंने बताया था, इमोटिव का मतलब भावनात्मक और रिटोरिक का मतलब बड़े बड़े क्या देना, भाषणबाजी करना। तो कहते हैं कि दे हैव हेल्ड, उन्होंने आयोजित किया टुगेदर मिलकर टू डिस्ट्रैक्ट द डिबेट, कि किसी तरीके से डिबेट को डिस्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम सब्सटेंशिव इशूज, इंपॉर्टेंट इशू से, कहां पर, टू इमोटिव रेटोरिक, भावनात्मक रूप से बयानबाजी के अंदर वो लेकर जाना चाहते हैं। मतलब पूरी लाइन में क्या कहा, पूरी लाइन में कहा कि इन दोनों, अब ये जो है ना, ये जो कौन, नीतीश कुमार जी और ये जो बीजेपी है इस वक्त, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी डिबेट को इस तरीके से बनाया है कि जो इंपॉर्टेंट इशूज है जिनके ऊपर सवाल देने चाहिए, वहां से ट्रांसफर करते हुए अपनी डिबेट को कहां ले जाना चाहते हैं, कि भावनात्मक रूप से बड़ी बड़ी बातें कर कर ये चीजों को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे द सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मतलब जिस पर संदेह है, द सस्पेक्टेड सुसाइड ऑफ अ फिल्म एक्टर हु हेल्ड फ्रॉम बिहार, हेल्ड फ्रॉम मतलब बिहार से जो आते हैं, इज बीइंग यूज्ड बाय बोथ पार्टीज टू फैन, फैन फैन का मतलब क्या होता है, फैन का मतलब होता है जब आप किसी को भड़काने की कोशिश करते हो, भड़काना। कास्ट, जाति एंड पैरोचिकल इमोशंस, अब ये होते हैं पैरोचियल इमोशंस होते हैं जो आपके छोटी सोच, एक तरह से कह लो छोटी सोच। ठीक है, तो क्या कहता है कि भाई ये जो दोनों है ना, मतलब सेंटर और स्टेट, यानी बिहार के नीतीश कुमार जी और बीजेपी, ये किसी तरीके से मुद्दे को भावनात्मक रूप से बढ़ा चढ़ाकर सब्सटेंशियल इशू से ध्यान हटाना चाहते हैं, और जो सस्पेक्टेड सुसाइड है, मतलब ऐसा सुसाइड जिस पर संदेह है कि वो सुसाइड है भी है कि नहीं है, किसका, फिल्म, एक एक फिल्म एक्टर का जो कहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं, और उनके इस सुसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों ही पार्टीज के द्वारा जाति और छोटी सोच के इमोशंस को भड़काने के लिए। अब आप देख लो कि सुशांत सिंह राजपूत जी, राजपूत जो हैं, उनकी जो सस्पेक्टेड सुसाइड है, देखो सस्पेक्टेड सुसाइड का मतलब है एक ऐसा सुसाइड जिस पर विवाद है कि वो सुसाइड है या नहीं है, ये कितनी छोटी मानसिकता दिखा रहा है कि सारा का सारा जो इलेक्शन है वो इसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है बिहार के अंदर। जो लोग बिहार से होंगे उनको ये बात थोड़ी बेहतर समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली में वहां पर किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, किस तरीके से पार्टीज पोर्ट्रे कर रही हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है द ब्रेजनली, ब्रेजनली का मतलब होता है एकदम, मतलब आप कह लो कि बहुत ज्यादा बेशर्मी। द ब्रेजनली पार्टीशन, पार्टीशन मतलब पक्षपात, कंडक्ट मतलब व्यवहार, द ब्रेजनली पार्टीशन कंडक्ट ऑफ राज्यसभा डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश, ए मेंबर ऑफ द जेडीयू ड्यूरिंग द मानसून सेशन इज बीइंग हेल्ड एज एडियरेंस टू, देखो एडियर के साथ टू प्रेपोजिशन लगती है, बिहारी इथोस, इथोस क्या होता है, देखो अगर आप बात करो यहाँ पर इथोस की, तो इथोस का मतलब होता है जैसे समाज के पर्टिकुलर नियम, लोकाचार बोलते हैं इसको, जैसे समाज में, जिस भी समाज में आप रहते हो उस समाज के कुछ अपने नियम कानून कायदे होते हैं ना, वो आपके कहलाते हैं इथोस। क्या कहलाते हैं, इथोस कहलाते हैं, ठीक है, जिसको आप आम भाषा में लोकाचार कह देते हो। एंड हिज क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं, आर बींग लेबल्ड एंटी बिहार, बहुत अच्छी लाइन है कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से, सॉरी, जो बहुत ज्यादा राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन है हरिवंश, इनका जो व्यवहार है वो पक्षपात रूप से बहुत ही बेशर्मी पूर्ण जो व्यवहार है इनका, ये जो जेडीयू के एक मेंबर हैं, इस मानसून सेशन के अंदर इनका जो व्यवहार रहा, इज बीइंग हेल्ड, ये आता है कहाँ से, एज अडियरेंस टू बिहारी इथोज
ये कहां से आता है? ये सारी बातों किससे जोड़कर देख रहे हैं? ये सारी बातों को बिहारी लोकाचार से देकर जोड़ रहे हैं। मतलब ये जो आदमी है ना, ये जो चेयरपर्सन अभी बने हरिवंश, मैंने आपको पैसेज भी पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इन्होंने बेसिकली बेटा क्या किया कि इनका जो व्यवहार है, आपने पढ़ा था कि देखो लोकसभा में इन्होंने आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, मैंने पढ़ाया भी था आपको, याद होगा तो, ठीक है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो चेयरपर्सन थे हरिवंश, इन्होंने, आपको पता है कि किस तरीके से जो राज्यसभा के अंदर अभी फैसला आया था उसके ऊपर काफी बातों को लेकर अच्छी तरीके से लोगों की बात नहीं सुन पाए थे ये लोग, है ना। तो नहीं सुनी थी बात, तो इनका जो पक्षपात रूप से शर्मिंदगी भरा जो व्यवहार है ना, ये जो मानसून सेशन के दौरान रहा, इज बींग हेल्ड, ये आता है इस जोड़ को लेकर टू बिहारी एथोस। मतलब ये हर बात को कहां जोड़कर देख रहे हैं? ये हर बात को एक तरह से बिहारी एटमोस्फेयर से जोड़कर देख रहे हैं। एंड इसके टिक्स, और उनके जो आलोचक हैं, जो भी मतलब उनकी आलोचना करता है, ठीक है, आर बिंग लेबल्ड एंटीबीआर। और जो भी अगर उनकी कोई आलोचना कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे कि तू एंटी बिहार का है भाई, एंटी बिहार है इसलिए तू हमारी ऐसी बातें कर रहा है। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बातें? आगे देखो, आगे कहता है, इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है दैट एनडीए इज फ्री फ्रॉम इंटरनल स्क्वेबल्स। स्क्वेबल्स का क्या मतलब होता है? स्क्वेबल्स का मतलब होता है छोटा मोटा झगड़ा जो होता है ना, वो आपका स्क्वेबल कहलाता है। कहता है इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि एनडीए के अंदर कोई छोटे मोटे झगड़े उनके अंदर नहीं चल रहे हैं। यूनियन मिस्टर रामविलास पासवान इज सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है रूठ जाना, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार जैसे जैसे मान लो घर पे, मान लो पेरेंट्स होते हैं आपकी, किसी बात से रूठ जाते हैं, तो वो रूठते कैसे हैं? वो आपसे बात नहीं करते हैं, वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपकी बात पे हंसेंगे नहीं, आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उसे सल्किंग बोलते हैं। एक ऐसा रूठना जिसमें आप सिर्फ मतलब चुप रह रहे हो, आप बात नहीं करना चाह रहे हो किसी से, है ना, तो वो सल्किंग कहलाता है, ठीक है। तो कहता है यूनियन मिस्टर रामविलास पासवान इज सल्किंग आफ्टर द एंट्री ऑफ अनदर दलित लीडर जतिन राम मांझी इनटू द अलायंस। कहता है कि ऐसा नहीं है कि एनडीए के अंदर कोई इस प्रकार का छोटा मोटा विवाद नहीं चल रहा, उनके जो यूनियन मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान, वो इस वक्त नाराज हैं। किस बात से? जब जीतन राम मांझी जो एक दलित लीडर हैं वो पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं इन द अलायंस, मतलब बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस किया, गठबंधन कर लिया है। इसके बाद ये रामविलास पासवान जी जो थोड़े से क्या है, खफा है पार्टी से कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे स्टिल, फिर भी द सोशल कोइलेशन, कोइलेशन का मतलब होता है मतलब जैसे मिलकर जब आप काम करते हो, साठगांठ कह लो एक तरह की, है ना, आप गठबंधन कह लो। द सोशल कोइलेशन ऑफ अपर कास्ट, नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट एंड कंसिडरेबल सेगमेंट्स। कंसिडरेबल सेगमेंट्स कौन से होते हैं? देखो, सेगमेंट्स का मतलब हो गया तबका, और कंसिडरेबल सेगमेंट्स का मतलब हो गया काफी काफी बड़ा तबका। सर एक बार देख रहे हैं एक्चुअली मैं क्या है, रुक जाओ। कंसिडरेबल सेगमेंट्स ऑफ दलित्स बिहाइंड द एनडीए इज लार्जली इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है बंधा हुआ होना, किसी चीज के साथ होना, एकदम बंधा हुआ होना, वो होता है इंटैक्ट। एज द कैंपेन फॉर्मली बिगेंस, तो क्या बात कहता है कि फिर भी जो सोशल कोइलेशन है, जो सामाजिक गठबंधन है, किसका? अपर कास्ट का, नॉन यादव जो बैकवर्ड क्लासेस की कास्ट के अंदर आते हैं, और समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो दलित दलित से बिलोंग करता है, ये एनडीए के पीछे है, मतलब एनडीए के साथ है, इज लार्जली इंटैक्ट। और ये पूरी तरीके से किससे बंधे हुए हैं? एनडीए से बंधे हुए हैं, मतलब बीजेपी से बंधे हुए हैं। एज द कैंपेन फॉर्मली बिगेंस, तो आप ऐसा कह सकते हो कि कैंपेन जो है वो एक तरह से क्या हो गया है, फॉर्मल तरीके से बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, और कैंपेन जो है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है, इट इज नॉट अनब्रीचेबल। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। ब्रीचेबल क्या होता है? ब्रीचेबल का मतलब होता है जिसका जिसको तोड़ा जा सकता है। तो अनब्रीचेबल क्या होगा? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यहां पर भी लोट लगा रखा है, तो नेगेटिव ये दोनों बातें कैसी होगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना, इट इज ब्रीचेबल। पर ऐसा नहीं है, इस गठबंधन को तोड़ा नहीं जा सकता, इस गठबंधन को तोड़ा जा सकता है। वो यही तो कह रहा है कि भाई भले ही इनका कोइलेशन है आपस में और एक तरह से कैंपेन स्टार्ट कर दिया, पर ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन को तोड़ा नहीं जा सकता। बट द अपोजिशन, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है कमांडेड बाय आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रताप, और जो अपोजिशन पार्टी जिसको कि एक तरह से कमांड कौन कर रहे हैं, आरजेडी के लीडर कौन, तेजस्वी प्रताप, ठीक है, डज नॉट अपियर बैटल रेडी। ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि वो इस बैटल के लिए पूरी तरीके से तैयार तैयार है। आगे, द आरजेडी द कांग्रेस एंड द लेफ्ट माइट अल्टीमेटली फॉर्म एन अलायंस, ठीक है। तो कहता है जो आरजेडी है, कांग्रेस है, और जो लेफ्टिस्ट है, माइट, ऐसी संभावना है
कि अल्टीमेटली अंततः वो एक अलायंस बनाएंगे, मतलब एक गठबंधन बना लेंगे, बट नॉट बिफोर मोर ब्लड ब्लड इज जनरेटेड एंड द कंफ्यूजन स्प्रेड अमंग देयर सपोर्टर्स एंड मोर एंड बट नॉट बिफोर मोर। कहता ऐसा तब तक नहीं होगा, ये संभावना तब तक नहीं जब तक और ज्यादा बैड ब्लड हो। बैड ब्लड का मतलब तू तू मैं हो, आपस में एक दूसरे से विवाद हो, झगड़े हो, उसे बैड ब्लड बोलते हैं, दुश्मनी हो जाए। इज जनरेटेड एंड कंफ्यूजन स्प्रेड अमंग देयर सपोर्टर्स, और उनके सपोर्टर्स के बीच में आपस में कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दिया जाए। तो कहता है कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों पार्टीज, इनके गठबंधन की संभावना तो है, पर ये गठबंधन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कुछ और ऐसी बातें ना आए जिसमें मतलब लोगों का ध्यान क्या हो जाए, आपस में कंफ्यूजन हो जाए, लोगों को इनके बीच में झगड़ा हो जाए, तब तक ये एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, संभावना थोड़ी कम है। दिस विल बी द फर्स्ट बिहार असेंबली इलेक्शन इन 13 ईयर्स इन विच लालू प्रसाद इज नॉट द सेंट्रल कैंपेनर। कहता है पिछले 30 सालों के अंदर ये पहला बिहार का असेंबली यानी विधानसभा चुनाव है जिसके अंदर लालू प्रसाद जी सेंट्रल कैंपेनर नहीं है, जो कैंपेन करने नहीं आ रहे हैं, कैंपेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे आगे कहता है द जूनियर यादव। अब जूनियर यादव कौन हुए आपको पता ही है। द जूनियर यादव इज ऑफन कंपेयर्ड अनफेयरली टू हिज फादर, कि तो जो जूनियर यादव हैं उनको कंपैरिजन किया जाता है किससे, उनके पापा से, या और ये अनफेयरली बात है और ये बिल्कुल सही बात नहीं है। भाई आ लालू प्रसाद यादव जी के साथ अगर जूनियर यादव का कंपैरिजन किया जाए अपने फादर के साथ तो ये बड़ा अनफेयर सी बात है। भाई किसी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वो इतने बड़े पुराने नेता हैं, उनका बेटा भी नया ही है राजनीति में। हैमस्ट्रंग, हैमस्ट्रंग का मतलब होता है कि छोटी मोटी परेशानियां जो दे देते हैं ना एकदम से, किसी को कमजोर बनाने की जब कोशिश की जाती है, किसी को कमजोर बनाना, किसी को कमजोर बनाना। हैमस्ट्रंग बाय हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन। तो कहता है कि जूनियर यादव है ना, उनका अपने फादर के साथ कंपैरिजन करना ठीक बात नहीं है, और जो मतलब उनके भाई बहन हैं किनके, जूनियर यादव के, वो उनको क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डीलिंग विद अ चेंज सोशल एनवायरनमेंट, और इसी वजह से जो जूनियर यादव हैं उनको चेंज किस, उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको व्यवहार करना पड़ रहा है एक सोशल एनवायरनमेंट जो पूरी तरह से बदल चुका है ना, उसके साथ उनको डील करना पड़ रहा है। मतलब एक तरह से उनके फादर साहब खुद नहीं आ रहे हैं कंपेनिंग के अंदर, ऊपर से थोड़ा सा माहौल भी बदल चुका है ना, और ये सब उन पर्सन के पेरेंट्स भाई बहन भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ये थोड़ा सा काम सही नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ अ टफ टास्क, उनका काम बड़ा ही मुश्किल है, ऑफ सिलेक्टिवली अप्रोप्रिएटिंग। अप्रोप्रिएटिंग का मतलब होता है चूज करना, ठीक है, इज फादर्स लेगेसी। लेगेसी तो आप लोग समझते ही हैं, जो विरासत में मिले, विरासत जिसको आप कहते हो, एंड सिलेक्टिवली डिसओनिंग इट। डिसओनिंग का मतलब छोड़ देना। तो कहता है वो बहुत, उनके लिए काम बड़ा टफ है कि अपने फादर की जो विरासत है उनमें से कौन सी बातें ऐसी जिसको वो सिलेक्ट करें और कौन सी ऐसी बातें जिनको वो क्या कर दें, छोड़ दें। मतलब अपने पिता की राजनीति से ही वो सीखेंगे। तो एक तरह से एडिटर कहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा कि अपने पिता की कौन सी आदतों को, कौन सी विरासत को अपने साथ लेकर चलें और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको वो छोड़ दें। ठीक है, आगे मुस्लिम्स कंस्टिट्यूट नियरली 17% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। कि अगर स्टेट की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें से 17% वोट है वो मुस्लिम्स के हैं। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हाउ द एनडीए एंड द आरजेडी लेड अलायंस एड्रेस देम रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड द अलाइड कंसर्न्स। और कहता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो एनडीए और आरजेडी का गठबंधन है वो किस तरीके से संबोधित करते हैं उनको, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एक बिल चल रहा था जिसके ऊपर बड़ा स्कैम चल रहा था कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होना, रजिस्टर में इनको शामिल किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, और एंड अलाइड कंसर्न, अलाइड मतलब जो जुड़े हुए और भी चिंताएं हैं। भाई आपको पता है कि थोड़ा सा जो बीजेपी है, थोड़ा सा बीजेपी जो है, आप देखिए मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, मेरा काम है इसको करना, तो आप प्लीज इसे माइंड मत कीजिएगा, मैं जो है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई एनडीए और आरजेडी का जो गठबंधन है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और जितनी भी कंसर्न्स रहती हैं उसके खिलाफ किस तरीके से एक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट मुस्लिम्स के लिए हैं ये चीजें, कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रभावित होते हैं, और अगर अभी क्या स्टैंड देते हैं इसके ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि 17% वोटिंग कहां जाए, क्योंकि आपने देखा होगा थोड़ा सा बीजेपी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है
वो हिंदुओं के लिए ज्यादा रहता है, ऐसा ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा काम है इसे पढ़ाना। आगे कहता है, द इलेक्शन विल बी अ हेल्थ चेक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द पोस्ट पेंडेमिक इरा। इरा मतलब युग, पोस्ट पेंडेमिक मतलब पेंडेमिक के बाद। कहता है ये जो इलेक्शन है ये एक तरह से हेल्थ का चेक होगा, भारतीय जो डेमोक्रेसी है उसकी हेल्थ का एक चेक होगा, उसके स्वास्थ्य की जांच होगी इस पोस्ट पेंडेमिक इरा में, जब ये पेंडेमिक का युग के बाद एक तरह से आप ये कह लो कि ये एक तरह से डेमोक्रेसी की अपनी हेल्थ चेक करेंगे, मतलब ये जो इलेक्शन होंगे ना वो ये बता देंगे कि भारतीय जो डेमोक्रेसी है वो इस वक्त कितनी विकसित है या फिर उसमें कितना दम बचा हुआ है। देर इज पोटेंशियल, अभी कुछ संभावना है फॉर अ न्यू इमेजिनेशन, कि कुछ नया हो जाए इन बिहार, बिहार के अंदर कुछ नया हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, दैट इज नॉट विजिबल ऑन द होरिजन येट, पर वो इस वक्त होरिजन यानी लाइन पर दिखाई नहीं दे रहा। भाई फिलहाल 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 में क्या बात है, हाल फिलहाल में बात है कि देखो हाल फिलहाल में तो बीजेपी थोड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार जी के साथ उनका गठबंधन है, पर वो कहते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कुछ और भी हो जाए बिहार के अंदर, और अभी तक जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है पूरी तरह से, इसीलिए मैंने बोला था कि एम्बिवेलेंट टाइप की फीलिंग है कि आप क्लियर नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, आप सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हो। तो इस तरह की बातचीत इसमें लिखी हुई है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं। जल्दी से मुझे एक बार ये सारी बातें समझा दो, अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बेटा देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ा करो आप लोग चीजों को, है ना, और उसके वक्त है ना मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब मार्क करके देता हूँ, आप खुद भी मेहनत किया करो कि भाई कौन सब्जेक्ट है तो वो नाउन बना है कि नहीं बना है, वर्ब ढूंढा करो, एडजेक्टिव ढूंढा करो, थोड़ा लिंक्स बिठाने की बेटा कोशिश किया करो, इससे आप खुद इंप्रूव होगे। ठीक है ना, चलिए आज के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं। मैं लास्ट दो क्लासेस में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाए थे, और रमेश कह रहे हैं कि सर टोन का पता नहीं लगता। बेटा 150 पैसेज पढ़ लोगे ना तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग जाएगा कि टोन किस तरीके की है। 150 पैसेज पढ़ने पड़ेंगे आपको, थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा टोन्स के बारे में। एक दिन टोन से रिलेटेड एक क्लास बना दूंगा मैं, ठीक है ना, इस सैटरडे नहीं तो अगले कभी किसी सैटरडे में मैं टोन से रिलेटेड एक क्लास बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कितने तरह की टोन्स हैं, आमतौर पर ये टोन इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, हाँ सब ठीक हो जाएगा बिहार में भी बेटा। तो आज मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का थोड़ा सा लेवल अच्छा किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देयर इज अ क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं आज मैंने, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन डाले हैं। आंसर्स आना स्टार्ट हुए हैं, चलिए पहले तो देखते हैं क्या बात है। ठीक है, पहले इसका आंसर ढूंढते हैं, उसके बाद फिर इसको अलग-अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले कहता है, द डैश ऑफ कंप्लीटिंग एंड एंटी नेशनल एंड प्रो इस्लामिक आउटफिट्स एंड स्टैंड अलोन इज अ डेडली प्रोस्पेक्ट। तो देखो बेटा यहां से दिखने में पता लग रहा है, द यहां पर मुझे नाउन चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां लिखा हुआ प्रो इस्लामिस्ट आउटफिट्स एंड स्टैंड अलोन, तो यहां पर भी मुझे क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो मुझे ऐसे शब्द चाहिए जिस तरफ दोनों तरफ नाउन हो। अगर मैं बात करूं व्यूज तो नाउन की तरह काम हो जाएगा, पर पर्सनल एक एडजेक्टिव है ये कटेगा। कोलेबोरेशन नाउन होता है, क्लैरिक्स भी नाउन होता है। क्लैरिक्स का मतलब होता है मौलवी, नहीं होते मौलवी, है ना, जैसे जैसे आप कह लो जैसे पंडित होते हैं वैसे मौलवी होते हैं। ठीक है, अच्छा डोमेस्टिक एडजेक्टिव है बेटा, एक्सकलरेट वर्ब है, तो दोनों गलत हैं। अच्छा पेनिट्रेशन नाउन है पर पोटेंशियल एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ये भी गलत है। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट द सप्लीमेंट ऑफ कंप्लीटिंग
कंप्लीटिंग एंटी इंडियन और ऑब्जेक्टिव्स ये भी नाउन है ना। तो अब ये और ये इन दोनों में गाड़ी फंसी हुई है, ठीक है। मैं थोड़ा तुमको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहता है, द डैश ऑफ कंपीटिंग, कंपीटिंग का मतलब हो गया एक तरह से विरोध, एंटी इंडियन। कहता कि ये जो, सॉरी ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो भारत विरोधी हैं एंड प्रो इस्लामिक इस्लामिस्ट आउटफिट्स, और जो इस्लामवादी समर्थक संगठन है स्टैंड अलोन, और अकेले अकेले कौन, अकेले या तो क्लरिक्स, मौलवी या ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इज अ डेडली प्रोस्पेक्ट, और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, डेडली का मतलब घातक। तो मुझे जहां तक वो ऐसा कह रहा है लगता है वो ये कहना चाह रहा है कि जो भारत विरोधी और इस्लामिक संगठन, भारत विरोधी इस्लामिक संगठन और जो अलग थलग मौलवीज है ना, अगर उनको आप एक साथ ले आओगे तो ये एक घातक संभावना हो जाएगी। ऐसा कुछ बात कहना चाह रहा है कि मतलब जो लोग भारत के एंटी हैं अगर उसमें आप इन सब चीजों को भी ऐड कर देते हो तो फिर ये एक बहुत ही खतरनाक संभावना बन जाएगी आने वाले समय में। तो सप्लीमेंट का मतलब तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं मिल रहा, ठीक है। सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट का मतलब एक तो आप एक्स्ट्रा नोटबुक लेते हो वो भी सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट किसी चीज को बढ़ाना भी सप्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है, तो सही जवाब जो इसका है वो बनना चाहिए एक नंबर ऑप्शन ए। जिन्होंने ए दिया था प्यारे बच्चों उनको सारी बात समझ में आनी चाहिए, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो इससे थोड़ा सा चीज़ें आपको इम्प्रूव होंगी। बेटा मैंने अभी तक यूट्यूब पे मैंने ग्रामर का कोई लेक्चर ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में भी कुछ करेंगे, तो जिस तरह के भी मेरे पास आगे ऑर्डर्स होंगे अथॉरिटी के द्वारा उस तरह की बातें मैं आगे करूँगा। फिलहाल हम कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, कोशिश करना, सबका जवाब सही होना चाहिए प्यारे बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, आपको चीजें क्लियर होंगी। सबसे सही जवाब सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा किसने दिया है। और अभी काफी बच्चे जवाब दे भी नहीं रहे अभी तक। सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है गौतम मिश्रा जी ने, ठीक है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, आगे बच्चों समझते हैं। बाकी जिन्होंने और कुछ एग्जांपल, जिन्होंने सी डी ई दिया उनके तो मैं मुक्के देने हैं, बता रहा हूँ आपको। पहले जो लोग सी डी ई दे रहे हैं वो मुक्के खाएंगे मेरे से, ठीक है। तुम बुरा मत मानना बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से। बिन लादेन, अब कुछ समझ नहीं आ रहा पर इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां पर ये सब्जेक्ट तो आगे वर्ब की डिमांड करेगा। ये सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये तो नाउन है। सी ऑप्शन तो 100% कटेगा, दोनों जगह नाउन है। यहां पे तो मान लिया कि मुझे नाउन चाहिए, पर यहां पे तो नाउन नहीं चाहिए ना। बिन लादेन डेवलपमेंट कुछ बनता है क्या, नहीं बनता ना। अच्छा लिंकिंग, ये वर्ब की आईएनजी है या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, नाउन की तरह काम करेगी, ये भी कट गया। इंटरलैंड का मतलब होता है आंतरिक इलाके, जैसे मान लो गांवों के जो इलाके होते हैं, गांवों के अंदर, और गांव में चले जाओगे तो आपको आगे ढाणियां दिखाई देने लग जाएंगी, वो इंटरलैंड होते हैं वो। और अचीव देखो वर्ब तो है पर बिन लादेन एक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होता तो बात होती, तो ये भी गलत हुई बच्चों। और बिटवीन लगाओगे तो बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता तो वो भी गलत है, तो ये वैसे भी गलत है। ये तीन ऑप्शन तो देखो जिन बच्चों ने चूज किए हैं बेटा, इसका मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने लोग पढ़ाई में। ये थोड़ा सा ध्यान से करते तो चीज़ें क्लियर होती। मैं वो कैब की जहाँ जरूरत पड़ेगी महिमा मैं बिल्कुल समझा दूंगा, ठीक है। और वो कैब के भी बहुत सारे सेक्शंस मेरे जो जेबी क्लासेस के ऐप पर जो लोग हैं उनको पता है कि मेरे बहुत सारे सेशन आ चुके हैं वोकैबुलरी के, और आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं वहां से। अब ये देखो क्या कहता है, बम्बार्डेड, और यहाँ पे कहता है ग्राउंड। अब हम पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि हमें नहीं पता क्या लगाया जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्या मतलब है। देखो ग्रूम क्या होता है, ग्रूम का मतलब तो होता है जैसे किसी को कोई चीज सिखाना, ऐसे ग्रूम का मतलब दूल्हा होता है, और दूल्हे को बहुत सारा तैयार किया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। और जील बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, उत्साह होता है, एक तरह से एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बम्बार्डेड की,
तो बम्बार्डेड का मतलब क्या होता है? बम्बार्डेड का मतलब तो गोली गोलीबारी गोलाबारी करना होता है, गोलाबारी करना होता है। ठीक है, तो अपने इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, दोनों ऑप्शंस को लगाकर देखते हैं, जो अपने को सेटअप बैठेगा उसी को चूज कर लेंगे। कहता बिन लादेन बोम्बर्ड, बिन लादेन ने बमबारी करी हमजारा हमजा पर किस पर करी, हमजा पर, होपिंग ये आशा करते हुए दैट ही वुड कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम पीस आफ्टर इस टाइम, कि जब उसका टाइम चला जाएगा तो वो फिर उसके साथ काम करेगा। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर उसने इस हमजा पर ही बमबारी कर दी तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, फिर ये उसके साथ कैसे चलेगा? उसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब वो क्या कहता था, वो ये कहना चाहता था बिन लादेन ने सारी बातें किसको सिखाई, हमजा को सिखाई, ये आशा रखते हुए दैट ही वुड कंटिन्यू टू वर्क, कि वो लगातार आगे काम करेगा विद द सेम जील, उसी उत्साह के साथ आफ्टर इस टाइम, जब इसका टाइम चला जाएगा तो फिर ये गद्दी संभाल लेगा। समझ में आई बात? तो सही मीनिंग बना आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मीनिंग बड़े इंपॉर्टेंट थे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मैं पिटाई करूंगा वरना तुम्हारी। अच्छी वोकैबुलरी भी इस्तेमाल हुई है तो आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जवाब आने लगे हैं। चलो भाई बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं, तो इसका मतलब भी चलो बातें हैं देख ही लेते हैं, सभी का जवाब सही आ रहा है। आओ देखें क्या चीज़ हो रही है। देर वॉज नो मेजर, नो से पता लग रहा है यहाँ नाउन आएगा, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और यहाँ हैव लगा हुआ है तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे भाई, परफेक्ट टेंस लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, एज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ तो डैम्पन लगा रखा है, ये गलत हुआ, यहाँ प्रॉफिट है पर यहाँ इंडस्ट्री है, ये भी गलत हुआ, यहाँ कन्फ्लिक्ट नाउन है बिल्कुल सही है, और डेमोक्रेटेड डेमार्केटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसके चांस हो सकते हैं, इसके चांस हो सकते हैं। लेवरेज के साथ स्केर्स है तो ये कट गया है यहाँ पर, इनोवेटिव के साथ एक्सप्लोर है तो ये इनोवेटिव एडजेक्टिव होता है, एक्सप्लोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आ नहीं सकती, तो ये भी कट गया। सही जवाब तो सी है, पर यहाँ पर सारे मीनिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट तो आप सब लोग समझते हो क्या होता है, देयर वॉज नो मेजर कन्फ्लिक्ट, कोई भी ऐसा बड़ा विवाद नहीं था बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, विच हैव डिमार्केटेड। अब ये डिमार्केटेड क्या होता है, डिमार्केटेड की अगर मैं बात करूं तो डिमार्केटेड का मतलब होता है अलग करना या निर्धारित करना, विच हैव डिमार्केटेड अमंग themselves टेरिटरीज फ्रॉम विच टू ऑपरेट, कि जो इस बात को निर्धारित कर दे उनके बीच में कि टेरिटरीज फ्रॉम विच टू ऑपरेट, कि कौन सी ऐसी सीमाएं जहां से वो दोनों लोग क्या करें, ऑपरेट करें। ठीक है, तो डेमोक्रेटेड का मतलब, डिमार्केटेड का मतलब होता है अलग थलग करना, हाँ डैम्पन का मतलब भीगा हुआ होता है। ठीक है, और ट्रेजेक्ट्री मोशन तो होता है ना, ऐसे ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री चल रही है, ट्रेजेक्ट्री मोशन, ये ऐसे आपने ऐसे बना, ये ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट आपको पता है लेवरेज, लेवरेज क्या होता है भाई, लेवरेज का मतलब होता है ताकत, लेवरेज होती है आपकी ताकत या आपका प्रभाव, आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस जिसको आप कहते हो। ठीक है, और इनोवेटिव आपको पता है नए नए, और स्कार्स का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या जवाब आता है देखते हैं। हाँ एक तरह का वही मीनिंग है, स्ट्रेंथन उसी तरह का लगभग मीनिंग है। जवाब आने स्टार्ट हुए और उड़ उड़ के जवाब आ रहे हैं। हिमांशु गुजर जी क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान से कहाँ गलती कर ली अपनों ने। ठीक है, चलो सबका जवाब ऑब्वियस है डी, मुझे पता है तुम्हें पता लगता है अब सारी चीजें, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत, तुमने इसको ठोक दिया यहाँ पर, है ना।
चलो अब मैं तुम्हें इनके मतलब मिला देता हूँ। पोइज का मतलब तो क्या होता है? पोइज तो आप सब लोग जानते हो, पोइज का मतलब होता है तैयार होता है, संतुलित जिसको कहते हो, तैयार या संतुलित, ठीक है। और मैकेनिज्म चेंज ग्रोथ, ये तो पता है। फ्लाइंग पॉलिसीज भी पता है। डिस्पेल क्या होता है? डिस्पेल की अगर मैं बात करूँ तो डिस्पेल का मतलब होता है कि जैसे आप जब क्या करते हो, एक तरह से दूर करना किसी चीज़ को, दूर करना। और अगर मैं बात करूँ फ्लैटरिंग का, तो फ्लैटरिंग का मतलब होता है थोड़ा डगमगाना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप, पता है, अफोर्डेबल पता है, तो वो क्या कह रहा है? वो यही तो कहना चाहता है। वो कहता है द जुडिशरी नीड्स टू डिस्पल द परसेप्शन, कि जुडिशरी को आवश्यकता है कि वो उस परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है विचार, कि उस विचार को वो दूर करे, दैट इट्स स्टैंडिंग एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट, कि जैसे वो अपने आप को संवैधानिक अधिकारों का गार्डियन मानता है, गार्डियन मतलब पिता मानता है, इज फाल्टरिंग। अब ये बात धीरे धीरे क्या हो रही है? डगमगा रही है द जुडिशरी, ये बात जो है बिल्कुल तरह से डगमगा रही है, ठीक है। सर टू के बाद कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है तो वो कैसे पता लगता है? सौरभ टू के बाद आईएनजी फॉर्म पता कब आती है? टू के बाद आईएनजी फॉर्म तब आती है जब टू क्या बनता है? प्रपोजिशन बनता है। क्या बनता है? प्रपोजिशन। अब आप कह रहे हो सर कैसे पता लगेगा? तो बेटा ध्यान से देखना, जब भी आप टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हो ना, तो आप देखना हमेशा आपको उससे पहले भी एक वर्ब दिखाई देगी, पहले भी कहीं क्या दिखाई देगी? वर्ब। और जब वर्ब के बाद वर्ब आती है तो नाउन बनाना पड़ता है, जब वर्ब के बाद वर्ब आती है तो नाउन बनाना पड़ता है। और नाउन बनाने का तरीका ये होता है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दो। क्या कर दो? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दो, ठीक है। तो उस केस में तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रहता है, पर कई बार वर्ब के अलावा और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एडजेक्टिव आ जाता है या कुछ और चीज आ जाती है, तो उस टाइम जोड़ने के लिए हमें फिर क्या बनता है? टू अगर लगाते हैं तो प्रपोजिशन की तरह टू काम करता है, और उस केस में फिर टू के बाद आईएनजी आती है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ही कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये बात भी मेरे को लगता है बिल्कुल क्लियर हो गई। और ये लो आज का अंतिम क्वेश्चन, देखते हैं कुछ सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। अच्छे क्वेश्चंस, सही जवाब नहीं आ पा रहा है मेरे पास अभी तक किसी भी बच्चे का। अब तुक्केबाजी मत करना बस। सबसे पहले जो सही जवाब दिया वो गौतम सुमिता जी ने, उसके बाद मयूर, मयूर ने दिया सही जवाब, उसके बाद, और उसके बाद प्रगति, और फिर अमनदीप। बहुत बढ़िया बेटा, जिनमें काफ़ी बच्चे आ गए हैं, ठीक है। चलिए, ये यूजली ये वो बच्चे हैं जो लगभग हमेशा ही मेरे को लगता है पार्टिसिपेट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो इनको तो भगवान बहुत जल्दी जीवन में तरक्की देगा। देखो बेटा यहाँ से देखो ना, ये लिखा होता ए फ्रेमवर्क, यहाँ नाउन है, तो या तो यहाँ पर आपको नाउन चाहिए या आपको एज अ नाउन एडजेक्टिव की तरह काम चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलो ये बात ठीक है। आगे लिखा होता है रिक्वायर्ड डैश, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी नाउन चाहिए, यानी बाद वाले में नाउन चाहिए, बाद वाले में नाउन यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं, रिसेंटली तो एडवर्ब हो गया, डेवलप वर्ब हो गई, एक्सेसिबल एडजेक्टिव हो गया, कट गया। दो ऑप्शन बचे, या तो ए या इम्पेचुअस। अब यहां पर देखो लिखा हो विंग्स, अब आपको पता है नाउन से पहले जो वर्ड लगाओगे वो प्लूरल फॉर्म में तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो फिर ये तो कट गया। सही जवाब क्या बना? ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फ्रेमवर्क, कि एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा जिसमें सब मिलकर काम करते हैं, कैन प्रोवाइड, वो प्रोवाइड कर सकता है द रिक्वायर्ड इम्पेचुअस, सॉरी द रिक्वायर्ड इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है गति, वो गति प्रदान कर सकता है टू द सिविल एविएशन सेक्टर। वो किसको प्रदान कर सकता है? सिविल एविएशन सेक्टर को दे सकता है। तो ये थे मेरे बच्चों आज के कुछ क्वेश्चन, जिसको तुमने अगर अच्छा नहीं से समझा है तो तुम्हारी जीवन में कुछ उमंग उत्साह आया होगा। अब मुझे बता दो कि सब ठीक चल रहा है,
कोई समस्या वमस्या तो नहीं आ रही? जल्दी से बोल दो भाई, सब ठीक है? सब ठीक। तो बेटा अगर अच्छी चीज़ें लग रही हैं तो फिर आप अपने हिसाब से इसको लें, और अगर बुरी चीज़ें लग रही हैं तो भी फिर आप अपने हिसाब से लें। 4, 5, 4, 2। अभिषेक कितने कम कैसे हैं नंबर? 9 समस्या सर, बहुत बढ़िया। यस सर, ओके, थैंक यू सो मच। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इन्जॉय।